नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कमाई करने के कई तरीके होते हैं जिन्हें हम जानकारी के अभाव में सोच नहीं पाते हैं। वर्तमान हालातों में जब नौकरियों के लिए वैकेंसी आना ईद के चांद जैसा हो गया है, तो ऐसे में लोग बिजनेस आइडियाज की ओर रुक कर रहे हैं। बिहार सरकार भी कई क्षेत्रों में खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए अनुदान देती है। अनुदान मिलने का फायदा यह है कि आपके बिजनेस शुरू करने में जो भी लागत आएगी उसमें से सरकारी अनुदान के रूप में एक निश्चित रकम माफ कर दी जाएगी। अगर हम कहें कि आप बकरी पालन शुरू करके अपना बेहतर रोजगार खड़ा कर सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि बकरी फार्म खोलने में मोटी कमाई की संभावना है। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि आपके द्वारा बकरी पालन शुरू करने पर बिहार सरकार 50-60% अनुदान के रूप में देगी, तो आप भी जानकर काफी खुश होंगे। जी हाँ, खबर पक्की है। बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय की यह योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देना और उन्नत नस्ल के बकरा या बकरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभाग के द्वारा आम लोगों को गोट फार्म खोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आवेदक की योग्यता को देखते हुए उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है, जिसमें सरकार भी अनुदान देती है। इस योजना का नाम समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना है। इसके तहत हर जिले के लिए सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और आवेदन मांगे जाते हैं। विज्ञापन प्रकाशन के बाद ऑनलाइन लिंक खुलने के 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति इस योजना के लिए विभाग की वेबसाइट www.asd.bih.nic.in पर दिए गए लिंक पर जाकर आधार या फिर वोटर कार्ड नंबर को रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। लक्ष्य का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होता है, यानी कि जो पहले आवेदन आएंगे उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। योजना के तहत जिला स्तर पर दो तरह के फॉर्म खोले जा सकते हैं। पहला 20 बकरी प्लस एक बकरा की क्षमता वाले फॉर्म और दूसरा 40 बकरी प्लस दो बकरा की क्षमता वाले फॉर्म खोले जा सकते हैं। ये फॉर्म निजी क्षेत्र में स्थापित करने होते हैं। आवेदन स्वीकृत होने पर जनरल कैटेगरी वाले को 50% अनुदान मिलता है, वही SC ST कैटेगरी के लोगों को 60% अनुदान मिलता है। इसके साथ ही इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों को प्रशिक्षण भी मिलता है। बताते चले कि 20 बकरी प्लस एक बकरा वाले फार्म की स्थापना की अनुमानित लागत 2 लाख रुपए है। अनुदान के बाद आपको 1 लाख ही लागत आएगी। उसी तरह 40 बकरी प्लस दो बकरा वाले फार्म की स्थापना के लिए अनुमानित लागत 4 लाख रुपए है। इसमें भी अनुदान के बाद भारी छूट मिलेगी। जब आप गोट फार्म के लिए आवेदन करते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में एक निश्चित अमाउंट होनी चाहिए, यह आपको निर्देश में बता दिया जाएगा। इसके अलावा 20 बकरी प्लस एक बकरा फार्म स्थापित करने के लिए 1800 वर्ग फीट जमीन होनी चाहिए, वहीं 40 बकरी प्लस दो बकरा फार्म की स्थापना के लिए 3600 वर्ग फीट की जमीन होनी चाहिए। आप खुद के जमीन पर भी खोल सकते हैं या फिर लीज पर भी लेकर खोल सकते हैं। खोलने के बाद किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 सालों तक फार्म को चलाना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गोट फार्म की स्थापना बिहार पशु प्रजनन नीति 2011 में अनुशंसित ब्लैक बंगाल बकरी और बकरे के द्वारा किया जाना है। ये ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरे मुख्य रूप से मांस उत्पादन में काम आते हैं। अगर आप बकरी पालन करते हैं तो इसके कई लाभ है। पहला यह कि सरकार सीधे आधी राशि माफ कर देगी। दूसरा, इससे दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन आदि का बिजनेस किया जा सकता है। बकरी पालन करने में झंझट भी कम है। इनके चारे में मुख्य रूप से घास, हरे पत्ते शामिल है, जो कि सस्ते में उपलब्ध होते हैं। कम क्षेत्र में ज्यादा संख्या में इनका पालन भी हो सकता है। साथ ही साथ बकरी की प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। सामान्य तौर पर एक बकरी 1.5 साल की उम्र में ही प्रजनन करने की क्षमता रखने लगती है और 6 से 7 महीने में प्रजनन करती है। ये एक बार में 3 से 4 मेमनों को जन्म दे सकती है। ऐसे में बकरी पालन शुरू करने के बाद आगे फायदा ही फायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।